ओडब्ल्यूएससी तरफ नुआ रिक्रुटमेंट नुआ वैकेंसीज आउ सेटा भी ग्रुप बी पोस्ट एबे रिक्रुटमेंट आसी पूरा डिटेल्स आलोचना करबा कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्जामिनेशन ये रहउची जोटा कि ग्रुप बी पोस्ट रहउची ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपनकर स्टार्ट होउची 2/4/2024 रु लास्ट डेट रहिची 1/5/2024 ऑनलाइन या लास्ट डेट रही आपंकर 7/5/2024 जोटा आप आप्लिकेशन फॉर्म को सबमिट करार ऑनलाइन रे मोड ऑफ आप्लिकेशन odssc.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट को जाकि ऑनलाइन माध्यम रे अप्लाई करेंगे। देखते कौन पोस्ट रही आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल रही जूनियर इंजीनियर सिविल रही जूनियर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर रही सब कैटेगरी ये आपंकर वैकेंसीज रही तीनो पोस्ट रही जो थे कि 365 पोस्ट रही जूनियर इंजीनियर सिविल वोमेन मान 122 जूनियर इंजीनियर सिविल रही अलग डिपार्टमेंट रे ये रोज आप डायरेक्टरेट ऑफ फिशर डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज ओडिशा कटक ये रोज ये भुवनेश्वर रोज ये आपंकर कटक लोकेशन रोज जूनियर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एथेर आपंकर 15 पोस्ट रही 5 वोमेन मान ग्रुप बी पोस्ट रोज सैलरी आपंकर पे लेवल आपंकर रोज 9 ओके ये आपंकर डिटेल्स रे कैटेगरी वाइज एसटी केते यूआर केते एससीबीसी केते टोटल वैकेंसीज ये आपंकर डिटेल्स रे रही आपने चेक करेंगे। तापर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विषय में डिस्कशन करवा बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जमी आपने जानते ये आपंकर एसेनसीयल क्वालिफिकेशन ये आमको देखार अच्छे जूनियर इंजीनियर सिविल कौन रोचे ना डिप्लोमा आपने दरकार सिविल इंजीनियरिंग रे और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय ओडिशा काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। तो जेहेतु आपंकर टेक्निकल एग्जाम रहुचि इंजीनियर एग्जाम रहुचि इंजीनियरिंग पोस्ट रहुचि तो डेफिनेटली आपण माने डिप्लोमा करथिवा दरकार दुटा जाक पोस्ट तापर आपण जो लास्ट पोस्ट जो रही जूनियर मोटर व्हीकल एथेर आपण माने डिप्लोमा करथिवा दरकार ऑटोमोबाइल रे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रे 3 वर्षर कोर्स डिप्लोमा ताले आपण माने आवेदन करिपरिबे। ता सहित एठी आपणकर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी ये मगा जाइए जमी द कैंडिडेट मस्ट हाव ए ड्राइविंग लाइसेंस ये आपंकर ड्राइविंग लाइसेंस मगा जामी मस्ट हाव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये जो आपंकर लास्ट पोस्ट जो रही जूनियर मोटर व्हीकल एपंकर ड्राइविंग लाइसेंस सहित आपंकर कंप्यूटर उपर नॉलेज थी दरकार एज लिमिट 21 वर्ष रु 21 इयर नहीं 38 इयर्स पर्यंत एज पर गवर्नमेंट रूल एज रिलैक्सेशन रही 1 January 2000 ये आपंकर जो डेट ऑफ बर्थ टाइट दि जाए 2 January 1986 नहीं कि 1 January 2003 भितर बाकी आपंकर जो एज ये आपंकर रही 21 वर्ष रु 38 वर्ष एज रिलैक्सेशन रही आज पर गवर्नमेंट रूल एससी एसटी मानी जमी एज रिलैक्सेशन रहा कथा ताकर रही प्लान ऑफ एग्जामिनेशन तीनटा फेज आपंकर एग्जाम हम प्रिलिमिनरी मेन देन आपंकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रिलिमिनरी जमी आज वेल आज जमी आपंकर अलग सब एग्जाम गुड़िकर चली एरिथमेटिक रोक डाटा इंटरप्रिटेशन रोक लॉजिकल रीजनिंग करंट अफेयर्स कंप्यूटर अवेयरनेस ये आपंकर 150 मार्क 150 मिनिट समय जमी आपंकर सब सीजीएल आउ सीएचएसएल जमी चलिए यहाँ से भाया मेन एग्जाम रिटन एग्जाम ये आपंकर टेक्निकल पेपर रोच 200 मार्क आपंकर रोक 3 घंटा 180 मिनिट आपंकर समय दिज्व ओके ये आप गोटे पॉइंट ध्यान देते कि 1.5 टाइम्स पिलाजी जितकी वैकेंसीज अच्छी एडवर्टाइजमेंट रे तार 1.5 टाइम्स पिलाजी मेन रिटन एग्जाम पर देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेन पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तापर जॉइनिंग। तो ये थिला डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट पूरा डिटेल्स जो मेरे भी डिप्लोमा जो मैंने करते सिविल इंजीनियरिंग से गोटे बहुत ही सुवर्ण सुजोग डेफिनेटली आवेदन करूँ थैंक यू। बाकी जो मैंने स्पेशल बैच रे जॉइन करने चाहते ओएसएफपी आईआरबी एसबू एग्जाम को लेकिन ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो सारी 500 घंटार अधिक लाइव क्लासेस 399 rupees रे कंप्लीट बैच कोर्स ओएसएफपी आईआरबी 2024 से OSSC रो कंबाइन एग्जाम आरआई एआरआई अमीन बैच चली भी आपने जॉइन करेंगे। थैंक यू।